अंकल को आगे जाके कोई बैक केक का प्रॉब्लम ना हो, स्पॉन्डिलाइटिस का, तो पोस्चर लाइफ में एक हैबिट होना चाहिए कि पोस्चर कैसा होना चाहिए बैठने का, ये नहीं कि जैसे मर्जी वैसे बैठो, तो आगे बढ़ते वो अभी इस टाइम पता नहीं चलता है, थोड़ा टाइम के बाद वो फिर दिक्कतें देता है, वो ज़रा से आपको डॉक्टर मैडम बता दें। जैसे आप अगर अगर सिर्फ बुक पढ़ा पहले तो स्टेट होते रहना चाहिए, ठीक है, तो क्या होगा हमारी जो रीढ़ की हड्डी है अब यही है बचा हुआ, ये लग रहा बस ये तो ये थोड़ा सा करेगी ना, बोले कि तू बस खत्म कर, वो चीज़ कुछ दिन बाद वैसी हो जाए, ठीक है, तो हमेशा ट्राई करना चाहिए, मतलब कोशिश करें कि जो है ये सीधे सीधे बैठे, अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो कुछ दूर इतनी दूर रख के बुक फिर उसको पढ़ें, ठीक है, इससे आँखों पर प्रेशर नहीं है, दिखेगा भी अच्छे से और जो है उसमें आँखों पर प्रेशर भी नहीं आएगा, ठीक, और दीवार से लग के मतलब सब के उससे फिर सीधे बैठे, ठीक, अगर जब अगर पूरा मतलब ऐसे कोशिश करनी चाहिए कि उसे दीवार से अगर लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पढ़ रहे हैं तो आपको सीधे बैठना चाहिए, अब जैसे ओम की चैंटिंग कर रहे हैं तो ये, ठीक है, अंगूठा और ये दर्शे, ये दोनों उंगली जो है इसको प्रेस करना है, इससे क्या होता है ना ब्लड सर्कुलेशन जो है हमारा प्रॉपर होता है, ठीक, एक पॉइंट होते हैं एक्सप्रेशन पॉइंट होते हैं ये सब, ठीक है, जिसको जो है दबाने से हमारा ब्लड का सर्कुलेशन पूरे बॉडी में सही होता है, ठीक, तो ये इसको मेन इसका मोटो यही होता है।